बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थी। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। दोपहर होने को आई लेकिन दोनों को खाने को कुछ भी नहीं मिला। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। बहुत देर तक भटकने के बाद एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आ गई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खा लोगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। ये देखकर दूसरी बिल्ली फिर बोली, ये क्या, तुमने तो मुझे छोटा टुकड़ा दिया है, ये तो गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए और उनका झगड़ा देखने लगे। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ रही हो? दोनों ने अपनी परेशानी बंदर को बता दी तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, मैं उसमें दोनों टुकड़ों को रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। ऐसे हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे, बोलो मंजूर है? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई, वो तैयार हो गईं। बंदर झट से गया और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़ों को एक एक पलड़े में रख दिया। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी है तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खुद खा गया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे रह गए हैं तो वो बंदर से बोली, आप चिंता मत करो, अब हम अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और बेचारी बिल्लियों को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ गया कि आपस में फूट बहुत बुरी होती है और दूसरा इसका फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानो और मिलकर रहो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचता था। वो रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वो शाम तक अपने घर वापस आ जाता। एक सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वो दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था। रास्ते से गुजरते हुए एक जंगल पड़ा। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया तो उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था, उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया और उस पेड़ के पास गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोपी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से जब शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथों में टोपी लिए
व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि उसकी टोपियां इन बंदरों के हाथ लग गई हैं। वो बहुत परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि अब उसका कितना नुकसान होने वाला है। ऐसा सोचते हुए वो अपना सिर खुजाने लगा। उसे सिर खुजाता देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। ये देखकर व्यापारी को गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। अब बंदर भी अपने हाथों से अपने अपने सिर पर तेजी से मारने लगे। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वो अपनी टोपियां वापस ले सकता था। उसने अपनी जेब से अपनी टोपी निकाली और अपने सर पर पहन ली। बंदरों ने भी झट से अपने हाथ में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी हुई टोपी को जोर से जमीन पर फेंक दिया। अब बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारी और अपने अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर जोर से फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की और अपनी टोकरी में भर दी और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें घबराना नहीं चाहिए, हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। याहू,